नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई अनिल ढांडा और आज हम पहुंचे हैं हुड्डा ग्राउंड। हुड्डा ग्राउंड के अंदर ये है स्टडी क्लब लाइब्रेरी। जैसे कि आपको पता है, हम डेली आपको एक नए बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी बताई गई है, तो आज हम यहाँ देखने पहुँचे हैं। हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक ठाक सर। अच्छा, जैसे हम डेली विजिट करते हैं हर एक बिजनेस के ऊपर, और आज आपकी यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर आए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे मेन खास फीचर क्या लगा आपको लाइब्रेरी का? सर, यहाँ लाइटिंग और पीसफुल माहौल है। यहाँ जैसे मतलब स्टडी मटेरियल होता है, बुक्स, न्यूज़पेपर, वो हमें सारा कुछ इजीली मिल जाता है यहाँ। ओके, जैसे लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए यहाँ फीस कुछ ज़्यादा होगी? 24 आवर्स के सर 600 है। ओके, ठीक है। तो आज मैं आपकी लाइब्रेरी देखना चाहूँगा, तो आप मेरे को दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी है? हाँ जी सर, बिल्कुल आइए सर। ये हमारा ऑफिस है लाइब्रेरी का, यहाँ पर हम एंट्री करते हैं जैसे जोन जिस टाइम आता है वो टाइम। देखिए सर, कितना आउटस्टैंडिंग माहौल है यहाँ। देखो सर, उधर वाईफाई है, किसी को भी ऑनलाइन अगर हमें क्लास लगानी है तो इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें क्लास लगाने में। आसपास के एरिया में सबसे बेस्ट है। देखो सर, लाइटिंग है यहाँ, स्पेस भी मतलब नॉर्मली बैठ के ईजिली से लिख भी सकते हैं, लिखने में भी कंफर्टेबल है, और लाइटिंग इतनी अच्छे से पड़ रही है, आँख पे कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा। अगर मैं ऑनलाइन स्टडी कर रही हूँ और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है तो मैं उसको चार्ज भी कर सकती हूँ यहाँ। okay. चार्जर प्लग की फैसिलिटीज है यहाँ। देखिए सर, इधर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मैं मानती हूँ कि सिक्योरिटी के लिए ये मेन फैक्टर है किसी भी लाइब्रेरी का। यहाँ से विजुअल चलता है सर के पास और वो हमें देखते रहते हैं, जिससे भी कोई मतलब गलत एक्टिविटी ना हो लाइब्रेरी में, माहौल अच्छा बना रहे। देखिए सर, किसी भी लाइब्रेरी में जहाँ तक मैंने ट्रेवल किया है ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ये हमारा डिस्कशन रूम है, बाई चांस हमारा घर से या कहीं से फ़ोन आ जाए तो हम यहाँ बात कर सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली जैसे लाइब्रेरीज के अंदर फोन आते हैं, फ्रेंड्स मिलने आते हैं, बाहर आते हैं, और आपके यहाँ पे एक अलग फैसिलिटी देखने को मिली। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, थैंक यू जगीता। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, आप यहाँ लाइब्रेरी में कितना टाइम हो गया आपको आते हुए? यहाँ पे हो गए 3 मंथ। 3 मंथ, तो आपको 3 मंथ के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आई हो जो सबसे अच्छी यहाँ पे? यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, लाइब्रेरी में फैसिलिटी सभी उपलब्ध हैं और पढ़ने का मन करता है यहाँ बहुत ज़्यादा। कहाँ से आते हैं आप? जिन से आते हैं? जिन से हूँ। जिन से हैं, हाँ जी। ओके, तो आसपास कभी किसी लाइब्रेरी में आप गए इससे पहले? मे भी नहीं, ये आपकी फर्स्ट लाइब्रेरी? फर्स्ट लाइब्रेरी। ओके, फर्स्ट लाइब्रेरी में ही आपको मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच, बात करके बढ़िया लगा। ओके सर। हेलो सर। हाय सर, हाउ आर यू सर? I am fine. Can I know your name, sir? Manjeet, sir. Manjeet, tell me feedback of your library, sir. Sir, this library is very good about the ventilations as well as very good space of parking area and good speed of Wi-Fi, as well very peaceful environment. And the student are also very coordinate. They talk outside the library, do not do disturb other inside the library. And very disciplined library in Jin. I tried a number of library in Jin, but I find some loopholes in every library. But this is a perfect library in Jin. Okay, thank you so much for talking with me. Nice to talk to you, sir. Okay, sir. Thank you. Namaskar, ma'am. Namaste, sir. ठीक हो? ठीक है sir. Ma'am, जैसे Jin के अंदर काफी library हैं, तो आपने इसी library को क्यों choose किया आपने? सर, एक्चुअली मैंने 2-3 लाइब्रेरी देखी थी, लेकिन वहाँ पे रस भी ज़्यादा, इन्वायरमेंट भी प्रॉपरली नहीं मिला, इस वजह से भी कुछ यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट भी है, अच्छे मतलब वाईफाई भी अच्छी है और जैसे सुविधाएं भी अच्छी, जैसे लाइट की है या और कुछ। ओके, स्पेशली जैसे आप टीचर हैं तो मैं कुछ आपसे चीज़ें पूछूंगा, जैसे कि जैसे गर्ल्स वगैरह के लिए काफ़ी मतलब वो चिंतित रहते हैं। सेफ भी है इस चीज़ के लिए, जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये तो जो मिल ही जाता है, सुविधाएं ये भी है बेस्ट, और लड़कियों के लिए भी मतलब बिहेवियर अच्छा है यहाँ का। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच।
ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर। नमस्कार भाई। नमस्कार श्रीमान। और ठीक हो? ठीक है श्रीमान। अच्छा भाई, मुझे ये बता, लाइब्रेरी के अंदर सबसे मेन पॉइंट एक होता है साइलेंट रहना जी। इन केस आपका फोन आ जाता है या आपका फ्रेंड आपसे मिलने आता है तो आप कैसे बात करते हैं उनसे? देखिए लाइब्रेरी में तो बिल्कुल पहली बात तो यही, साइलेंस मोबाइल साइलेंट मोड पे रखते हैं। अगर किसी का फ़ोन वगैरह आ जाए तो हम बाहर चले जाते हैं, बाहर यहाँ पे इसी चीज़ के लिए। मतलब ये लाइब्रेरी अच्छी लग रही है कि प्रॉपर साइलेंस रहता है, वही चीज़ें अच्छी हैं जो लाइब्रेरी को अच्छा बनाने में योगदान देती हैं। एक डिस्कशन करना हो कोई मित्र वगैरह, तो हमारा डिस्कशन रूम अलग से बना रखा है, उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और न्यूज़पेपर्स हैं वो बाहर बैठ के हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर्स हैं। बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रीमान जी।